गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम भावना फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल. टुडे वी विल मेक अ न्यूज़पेपर साइकिल. हियर आई एम टेकिंग दिस न्यूज़पेपर. मैंने एक बड़े वाला न्यूज़पेपर लिया था, उसका जो सेंटर पार्ट था वो कट करके मैंने उसे इतना हाफ कर लिया. आपको भी इसी तरीके से करना है. ओके, इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पाइप की शेप में से रोल करना है. इसी तरीके से ये जो पाइप है ये आपको 10 बनाने हैं. जब आप इसे सेंटर में से कट करोगे तो टोटल 20 हो जाएगा. कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ से आप रोल करना स्टार्ट करोगे, देखकर पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से रोल करना है. ठीक है, रोल करिए पहले. फिर मैंने इस तरीके की एक शीट ली थी. इस शीट को लेने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने स्टिक्स बनाई थी ना उसको कट किया था और उसको पूरी तरीके से यहाँ पर हम फेविकॉल को स्प्रेड करके पूरी तरीके से जो स्टिक्स है ना उसको हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे. ठीक है, पहले हम स्टिक्स को सारी पेस्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने सारे स्टिक्स को पेस्ट कर दिया. इसको पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये देखो, ये आपको शीट दिखाई दे रही है ना, जहाँ तक ये बाउंड्री जा रही है ना इसकी, वहाँ तक जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है न्यूज़पेपर का वो हमें कट कर देना है. यानी हमें इस पूरी बाउंड्री के इक्वल में ये सारे के सारे पाइप्स चाहिए. तो ये जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे. तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसे कट कर लिया और इसके इक्वल में कर दिया है. ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है. जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट कर दोगे. इसे कट करने के बाद क्या करना है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर आपको फेविकॉल को लगाना है. फेविकॉल लगाने के बाद इस वाले पार्ट को आप इस वाले पार्ट के साथ मिला दोगे, जिससे ये एक गोल हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या करना है, हमें इस तरीके से फुल साइज़ न्यूज़पेपर लेना है. इसकी जो लेंथ साइड है ना, हमें वहाँ से न्यूज़पेपर को फोल्ड करते करते एक पाइप फिर से बनाना है, जिससे हम जो साइकिल है उसके व्हील्स यानी टायर बनाएंगे. ठीक है, तो किस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर करके आपको कम से कम इसकी हाफ शीट तक फोल्ड करना है. अब जैसे देखो, ये जो स्टिक मैंने बनाई है ना लंबी सी, अब उसे क्या करना है, इस तरीके का मार्कर लेना है या पेंसिल हो, जो चीज़ भी हो, उसे इस तरीके से रख के इस स्टिक को पूरी तरीके से उस पर रोल करना है. रोल करते करते हमें उसे एक व्हील की शेप देनी है. एंड तक हम उसे ऐसे रोल करेंगे और जो इसका एंड पॉइंट होगा ना वहाँ पर फेविकॉल लगा कर हम इसे पेस्ट कर देंगे. ओके, देखो इस तरीके से हमने इसे ये शेप दी. अब इसका जो लास्ट पार्ट है उधर हम फेविकॉल लगा कर इसे पेस्ट करेंगे. फिर इस तरीके से एक छोटा व्हील हमने बनाया और एक और इस तरीके का बनाना है. यानी दो इक्वल साइज़ के बड़े व्हील होंगे और एक छोटा होगा. ये देखो, थ्री व्हील्स मैंने इस तरीके से बना लिया. अब इसके बाद क्या करना है, फिर इस तरीके से एक और स्टिक मैंने बनाई और इसको क्या करना है, जो टू व्हील्स है ना उसके सेंटर में लगाना है. ये आपको होल दिख रहा है ना, इस तरीके से इसके अंदर हमें इस टू व्हील्स को फिट कर देना है. ठीक है, फिर क्या है, इस तरीके से देखो हमने ये व्हील को इसके अंदर पेस्ट कर दिया. तो ये इस तरीके से इसके व्हील्स हो गए, यानी जो इसकी जो जो साइकिल होती है उसकी बैक साइड जो होती है. ठीक है, इतना हमने किया. देखो इस तरीके से जो व्हील है ना, फिर हम क्या करेंगे, ये जो व्हील है इसके अंदर जो हमने एक पाइप बनाई है ना उसे हम फिट करेंगे. ये देखो इस तरीके से हमने ये इसके अंदर डाला. अब डालने के बाद क्या करना है, आपको इसका जो इतना पार्ट है ना, इतने पार्ट को आपको पेस्ट कर देना है. ठीक है, इतना पेस्ट करने के बाद हम इसको इस तरीके से ये शेप दे देंगे, जो इसका हैंडल होता है उसकी तरह. उसके बाद हम एक और स्टिक बनाएंगे. देखो फिर हम इस वाले स्टिक को कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे. ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो इसका ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पेस्ट को जो हमने व्हील्स बनाए थे ना उसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे, ऐसे. इतने साइकिल बनाने के बाद हमें क्या करना है, वो जो हमने लेयर्स कट करके पेस्ट करी थी ना शीट पर, उसको एक बास्केट की शेप में राउंड शेप दे देनी है. ठीक है, तो इस तरीके से देखो मैंने इसमें गोल्डन कलर किया. ठीक है, ये हमारी साइकिल रेडी हो गई है. आप इसमें फ्लावर्स भी लगा सकते हो, जो हमने बास्केट बनाई हुई है. आप इसको और भी ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हो. ठीक है, तो ये आपको भी करके मुझे सेंड करना है. ओके, थैंक यू.